स्वागत है आपका लर्निंग के इस एपिसोड में। और आज डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजिकली कैसे खुद को कंट्रोल करना है। और यहाँ देखेंगे ये बैंक निफ्टी है और यहाँ मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट को देखेंगे। इस समय थोड़ा बहुत निफ्टी कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी का स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन यहाँ टेक्निकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि एक रिजेक्शन दिख रहा है 43,400 के आसपास का। इस रिजेक्शन को ब्रेकआउट करता है तो एक कंटिन्यूस ट्रेंड दिखने वाला है। यहाँ एक टेक्निकल सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 42,320 के आसपास का दिख रहा है, और एक मेजर रेजिस्टेंस जो एज ऑफ नाउ दिख रहा है वो 400 के आसपास का रेजिस्टेंस है। ये देखेंगे कि मेनली इसी बीच में मार्केट ट्रेड होते हुए दिख रहा है। और एज पर टेक्निकली देखें तो इस समय मार्केट वीक ही है, क्योंकि हमारा मानना है ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये वीवैप का लाइन है, इसके नीचे मार्केट हो तो वीक होता है। इस समय बिल्कुल हम कॉल तब तक नहीं लेंगे जब तक 42,400 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है। कभी भी ट्रेड में आपको बहुत जल्दी नहीं करना है, क्योंकि यहां से एक ब्रेकडाउन दिख सकता है। एक बार हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहां देखें तो एक्सिस, एचडीएफसी सभी जो है वीक दिख रहा है। यहां देखेंगे कोटक, एचडीएफसी के अलावा और एक्सिस के अलावा सभी वीक लग रहा है। लेकिन हमेशा क्या होता है कि टेक्निकली जैसा कि हमने कहा है कि सबको पता है कि इस समय मार्केट इसके नीचे है और मार्केट वीक है। यहां देखेंगे ये एक कॉमन परसेप्शन है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल दूसरों के अलग ही जाना होगा, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। यहां सभी पुट ले रहे होंगे, लेकिन मैं कॉल के लिए जाऊंगा। एक बार बैंक निफ्टी को देखेंगे और यहां कॉल देखेंगे हट रहा है और पुट राइटिंग हो रही है। यानी क्या है कि बैंक निफ्टी अभी स्ट्रांग है। यहां हम एड ऑर्डर करेंगे निफ्टी को, बैंक निफ्टी करेंगे, कॉल बाइंग करेंगे और 42,000 के कॉल की बाइंग करेंगे। लॉट हमारा कितना होने वाला है 36, और मार्केट प्राइस पर ही लगाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, मार्केट प्राइस पे ही लगाएंगे। और 372 पे हमने 900 लॉट खरीद लिया है, इस समय 1500 का प्रॉफिट चल रहा है। हमने हमेशा क्या कहा, पहले देखना है कि भीड़ चाल क्या देख रही है, क्या समझ रही है। नॉर्मली लोग यहाँ क्या मान रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, तो थोड़ा बहुत वीकनेस तो दिख रहा है आपको निफ्टी के अंदर देखेंगे। और बैंक निफ्टी के डाटा पॉजिटिव है और चार्ट टेक्निकली थोड़ा वीक है। यहाँ अगेन मैं आपको दिखाऊं तो चार्ट देखेंगे तो कॉल की राइटिंग हो रही है, पुट देखेंगे सॉरी कॉल का शॉर्ट कवरिंग ये हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, पुट की राइटिंग हो रही है। और निफ्टी के डाटा को एक बार देखें तो निफ्टी में क्या दिख रहा है, निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी भी कंपेरेटिवली डाटा और चार्ट के कंपेरेटिवली देखें तो इस समय थोड़ा स्ट्रांग है। और हमारा जो प्रॉफिट है वो 1500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और 900 के क्वांटिटी में इस प्रकार के प्रॉफिट या लॉस से नहीं घबराएंगे। इस समय जो प्रॉफिट था वो 1500 का था, जो लॉस दिख रहा है वो 9000 का दिख रहा है। तो 900 क्वांटिटी में 100 पॉइंट से ही 9000 के आसपास तक का होता है। एक बार चार्ट तो देखेंगे, यहाँ चार्ट पॉजिटिव है और हमको तब तक नहीं डरना है जब तक 280 के नीचे मार्केट नहीं जाता है। ये लॉस और प्रॉफिट को देख करके कभी ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड जो है आपको कैसे करना है तो आपको सिस्टम पे ट्रेड करना है। टेक्निकली अभी देखेंगे स्ट्रांग है, एक बार ये 380 के आसपास के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ट्रेंड काफी कंटिन्यू आपको देखने को मिलने वाला है। एक बार 380 के लेवल को ब्रेकआउट करने की जरूरत है। ये जोन देखेंगे, ये जो पूरा जोन आप देख रहे हैं, ये जो जोन दिख रहा है ये वाला, ये एक कंसोलिडेट जोन है। जब तक ये जोन है कंसोलिडेट जोन है, और नॉर्मली मैं क्या कहता हूं कि इस प्रकार की मार्केट को इग्नोर करना है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी हम लाइव देख रहे हैं तो इग्नोर का भी नहीं है। मेरा साइकोलॉजिकल कैसे काम करता है, मैं ट्रेड कैसे देता हूं, इसको समझने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि सर आप प्री आइडेंटिफाई कैसे कर लेते हैं ट्रेंड को, आप कैसे पहले बता देते हैं कि पुट होगा कि कॉल होगा। अभी तो सबको चार्ट पे दिख रहा है कि यहां से तो पुट होने वाला है, लेकिन आपने ऑलरेडी बता दिया कि नहीं यहां से कॉल होगा, तो इसके पीछे का क्या राज है। तो मैं सोचा चलो ठीक है, एक बार आपको मैं टेक्निकली भी दिखाऊं।
और ये 10,000 के लॉसेस को देख करके बिल्कुल घबराना नहीं है, ये लॉसेस प्रॉफिट जो है वो सिस्टम का पार्ट है, ये दोनों ही होगा। और यहाँ हमारा इजिली टारगेट कितना होने वाला है, 30,000 का, यानी 400 के प्लस का टारगेट हमारा इस पे दिखने वाला है। ये एक रिजेक्शन जोन है, लेकिन बिल्कुल घबराने का नहीं है, ओवरऑल मार्केट काफी पॉजिटिव है। यहाँ सभी ड्रॉइंग को हटाएंगे, पहला कैंडल कहाँ दिखा था, 9:15 का कैंडल दिखा था, ये कैंडल का है कितना, 440 का। यानी यहाँ थोड़ा बहुत टाइम लेने के बाद भी, यहाँ थोड़ा बहुत टाइम लेने के बाद एक बार इसको ब्रेकआउट किया कि जिसका टारगेट हम लोग 400 ले रहे हैं वो 700 हो जाएगा पक्का। ये बिल्कुल थोड़ा बहुत घबराना नहीं है, क्योंकि हमने कंसोलिडेट फॉर्म में ट्रेड लिया है और 10-5 ऊपर नीचे तो चलता ही है। ट्रेड हमेशा पेशेंसली करना है, कभी परेशान नहीं होना है। ठीक है, एसएल जाएगा जाएगा, 280 के नीचे आएगा काट देंगे, 400 के ऊपर जाएगा प्रॉफिट लेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे बहुत डर लगने लग जाता है, मैं ट्रेड नहीं कर पाता हूँ। क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका क्वांटिटी जो है वो ओवर क्वांटिटी होता है, जिसके कारण आप नहीं कर पाते हैं। यहाँ 1,700 का लॉस चल रहा है, नो प्रॉब्लम। मार्केट स्ट्रांग है, 110% मैं श्योर हूं कि मार्केट स्ट्रांग है। और इतना कॉन्फिडेंसली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट को हमने टाइम दिया है, अब मेरा टाइम है मार्केट से टाइम लेने का, सॉरी टाइम नहीं प्रॉफिट लेने का। बिल्कुल घबराना ही नहीं है इसमें, 120% ये प्रॉफिट देके जाएगा, अगर नहीं दिया तो ट्रेडिंग आज से बंद। आज से ट्रेडिंग बंद अगर ये प्रॉफिट नहीं दिया। ये 17,000 का लॉस, अभी 7,000 दिखेगा, फिर 2,000 दिखेगा, फिर प्रॉफिट दिखेगा। ये साइकोलॉजिकल काम करना है भाई, दिख रहा है ना थोड़ा बहुत रिजेक्शन, ये रिजेक्शन है ही नहीं यार, ये ट्रेंड दिख रहा है। ये टारगेट तो किसी का बाप ले नहीं सकता है हमसे, ये टारगेट समझ रहे हो। मैं क्या कहता हूं अपने जो पेड क्लासेस होते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी फाइट है, जिसमें आपको खुद से लड़ना है, और जो खुद से लड़ना सीख गया वो ट्रेडर बन गया। बिल्कुल यहां बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये 1,000% ऊपर ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये इसको प्रॉफिट में ही आना है। अभी 4,000 लॉस आ रहा है, अभी कितना लॉस था, 17,000, ओ माय गॉड। अब थोड़ा डीप इन द मनी है तो वोलेटिलिटी होगा ही होगा, 420 का टारगेट लेंगे ही लेंगे 50 पॉइंट, और 50 पॉइंट मतलब 50,000। काम पैसे के लिए नहीं करना है, सिस्टम पे करना है, और कोई भी दुनिया में प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से रोक ही नहीं सकता है। यहां थोड़ा टाइम लेगा ना, क्योंकि सभी के दिमाग में तो यही है कि जब तक मूविंग एवरेज वी वैप के नीचे है तो पुट लो, ऊपर है तो कॉल लो, वो सभी जो बेवकूफ लोग हैं इस समय पुट लेके बैठे होंगे, और यहां से ऊपर जाएगा तो कॉल लेंगे, भाई हम तो पहले से कॉल में बैठे हैं, समझो ना, साइकोलॉजी पे काम करो ना, ये भी प्रॉफिट में भी आ जाएगा भाई, गारंटी है। ये प्रॉफिट में आना ही है इसको, और वो भी विद इन मिनट, ज्यादा टाइम अपने पास नहीं है भाई, आना है तो प्रॉफिट में आ, और नहीं आना है फिर भी आ। ये रिजेक्शन दिख रहा है ना, इस रिजेक्शन के बाद भेड़ चाल दौड़ेंगे, अरे कॉल ले लो, कॉल ले लो, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे कॉल की रिकमेंडेशन आएगी,
और तब तक तो हम ऑलरेडी बैठे रहेंगे भाई। ये देखो, काम साइकोलॉजी पे करना है। हमेशा हमने क्या कहा, काम करना किस पे है, साइकोलॉजी। यहां देखो दिख रहा है ब्रेकआउट, अब भी लग रहा है कि यहां जाने से रुकेगा भाई, नो चांस। अगर अभी भी तुमने पुट नहीं काटे, खुद भगवान भी नहीं बचाएंगे ब्रो, नो चांस। अरे 135 प्रॉफिट से क्या होगा भाई, ये प्रॉफिट थोड़ी है। दिख रहा है ना, ये थोड़ा टाइम लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि जो भेड़चाल लोग हैं, जो बेवकूफ लोग हैं, वो उनको कॉल पुट में फंस रहे हैं, पोजीशन चल रहा है, तो इसीलिए ये जोन जो है वो टाइम काटेगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जिनको ट्रेडिंग का पता ही नहीं है, कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है। उनसे पूछो भाई क्यों नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है कि यहां कॉल ले कि पुट ले। देख रहे हो कंफ्यूजन के कारण कंसोलिडेट दिख रहा है, यहां कंसोलिडेट दिखना तय है। और जो नए खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कॉल लिया भी होगा, वो इस रेड कैंडल को देख करके अपने कॉल को कट कर देंगे, बोलेंगे अरे 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 सॉरी मैं तो फंस गया, क्योंकि ये बुलिश इनगल्फिंग बन गया तो मॉर्निंग स्टार बन गया, इवनिंग स्टार बन गया, कुछ स्टार देखने की जरूरत नहीं। 110% श्योर है कि ये जो ओपनिंग का हाई था, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा, 110% अपना टाइम आएगा। ट्वेंटी का टारगेट आएगा, यहां देख रहे हो ना, यहां एक कैंडल मारेगा और सभी पुट वाले चले जाएंगे घर। अरे आज बाजार ही अच्छा नहीं था, अरे आज ये जोन घूमेगा, क्योंकि यहां सभी कंफ्यूज हैं मेरे अलावा। एक बार और डाटा दिखा दूं क्या, चलो तुम लोग बोलोगे कि डाटा क्यों नहीं दिखा रहा है सर, कंफ्यूजन दिख रहा है, कॉल पुट दोनों राइटिंग हो रहे हैं भाई, बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हैं। यहां देख रहे हो सब पुट की तरफ आ गए हैं, मतलब कि कॉल को राइटिंग कर दिया, मतलब शॉर्ट कर दिया। यहां देखो अभी भी बैंक निफ्टी मजबूती से खड़ा है, लेकिन यहां देखो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। देख रहे हो कंफ्यूजन का नतीजा, अपने को भी 10,000 का झटका दे दिया इन कंफ्यूज लोगों ने। ये कंफ्यूजन जोन है भाई, अब यहां पंडित आएंगे कि अरे ये तो इनगल्फिंग बन गया है, अब तो यहां से भाई 42,000 के नीचे चला जाएगा, 4,150 हो जाएगा, यहां आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। ये सब भ्रमित कैंडल है, इसको बिल्कुल नहीं देखना है, गारंटी। कैंडल हम बनाते हैं, कैंडल बनाना ही हमारा काम है, और तुम लोग कैंडल फॉलो करोगे। मैंने जो कह दिया है वो कह दिया है, 420 हमारा टारगेट आना है तो आना है। 16,000 फिर से 16,000, अभी 17,000 आया था, फिर ग्रीन आया, फिर रेड आया, ये बस लर्निंग पर्पस के लिए, बिल्कुल घबराना नहीं।
ऐसे कैंडल आते जाते रहते हैं भाई, इससे घबरा गए तो फिर ट्रेडर कैसे बनोगे? ट्रेडर भी तो बनना है। छोड़ दो, कैंडल को मत देखो। वो कैंडल ऐसे ही कंफ्यूज, कैंडल भी कंफ्यूज हो रहा है कि भाई ऊपर जाना है कि नीचे। वो कंफ्यूज होगा, अमेरिका के डाउजोन को देख करके, वहां के इन्फ्लेशन को देख करके, जॉब डाटा को देख करके। इंडियन मार्केट को शॉर्ट करोगे तो यही हाल होगा, फंसोगे। कितना लॉस चल रहा है एक बार देखे क्या? चलो देखते हैं। 21,000, ओ माय गॉड, 5,500, ये क्या है, बन गया क्या ग्रीन कैंडल? गारंटी नहीं गया तो ट्रेडिंग बंद। लाइव चार्ट, लाइव पोजीशन, नो धोखा, नो बकवास, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यही तो रिजेक्शन है, 42380। इस रिजेक्शन के बाद तो फिर धुआं धुआं बन जाएगा। देखो ये कंफ्यूजन खत्म है, इधर इधर अभी लोग चढ़ेंगे, अरे 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 इसके ऊपर गया, खरीदो खरीदो, कॉल खरीदो। हम भी घबरा गए तो फिर संभालेगा कौन? दो चीज बहुत जरूरी है बाजार के लिए। पहला क्या जरूरी है कि तुम समझो कि बाजार स्ट्रांग है कि वीक। अगर स्ट्रांग है तो डिप को बाइंग में बदलो, अगर वीक है तो अप मूव को सेलिंग में बदलो या फिर पुट के लिए बदलो। इस प्रकार से ही एक बेटर ट्रेडिंग हो सकता है। मैं सो भी जाऊंगा इस पोजीशन को छोड़ के तो ये प्रॉफिट ही देगा, 110% सियोरिटी के साथ। कंफ्यूजन कैंडल, अब सब बोलेंगे ओ रेड बन गया, रेड बन गया, पुट खरीदो पुट खरीदो। फिर 2 मिनट बाद अरे 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 ग्रीन बन गया, गलती हो गया। ये अक्सर कौन करते हैं? जो नए ट्रेडर होते हैं, जिनको समझ ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, साला 100-100 ट्रेड लगा देता है दिन में, और उसका लॉस है मानो कि 30,000, तो उसका लॉस 30,000 है और उसने ब्रोकरेज दिया है 3 लाख रुपया, 3 लाख ब्रोकरेज और 30,000 का लॉस। ऐसा आपके साथ तो नहीं है? थ्री फोर फोर, इसको छोड़ो, इसके आसपास टाइम लेगा। खाना जी, इसके आसपास थोड़ा टाइम जाएगा। 350, 20,000, ओके, नो वरी।
नो वरी, 20 दिख रहा है ना। परेशान होना नहीं, करना है। ऐसा एक कैंडल बनेगा 42,400 के ऊपर के जितने भी पुट वाले होंगे सब मरेंगे, बस एक ही आदमी बचेगा, त्रिवेणी, बाकी सब मरेगा। अरे एक कैंडल बनेगा, सभी पुट वाले मर जाएंगे। 15 दिख रहा है ना, 15,000। बिल्कुल घबराना नहीं है, 110%, नो वरी। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ये जो जोन दिख रहा है ये कंसोलिडेट जोन हाई, ये जो जोन है ना ये कंसोलिडेट जोन, लेकिन ये कंसोलिडेशन पॉजिटिव का है, निगेटिव का नहीं। निगेटिव होना होता तो अब तक काम बच जाता, लेकिन काम तो बचा नहीं, मतलब क्या है कि निगेटिव है ही नहीं। नोट वरी एट ऑल, ब्रेकआउट इन वेदांता सक्सेसफुली डन, नाउ टारगेट कैन बी 370 एंड 440। ये भाई कौन ही आज का राजा बनेगा, मैंने कह दिया तो कह दिया। अभी भी टाइम है कि जिसने पुट लिया है वो अपने पुट को खत्म करे और कॉल में हमारा साथ दे और खुद भी प्रॉफिट ले, हमको भी प्रॉफिट ले। जो नए ट्रेडर होंगे वो इसी में घबरा जाएंगे, ओह ये क्या हो गया, फंस गया, ये घबराना क्या है, ये 15 कितने पे है भाई, 8-10 पे आ गया होगा, नहीं आया, कोई नहीं।
हाईलैंडर, ये देखो चाल तो देखो, मार्केट को दिखाना कमजोर है और उसके बाद फंसा देना है रिटेल ट्रेडर को और उसके बाद ऊपर ले जाना है। नहीं, ये हम होने थोड़ी देंगे। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग बाजार है। राइट। हंड्रेड 10% मार्केट इज स्ट्रॉन्ग। ओहो, अभी तैयार हो जाओ इसको प्रॉफिट में देखने के लिए। हमने क्या कहा, ये बैंक निफ्टी 280 के नीचे, इसके नीचे आ गया क्लोजिंग कैंडल, तो अपना पोजीशन ऑफ समझो, नहीं आया तो पोजीशन ऑन समझो। ये जो जोन है ना, इसके नीचे खेल खत्म, जब तक इसके नीचे नहीं तब तक खेल शुरू। कितना भी कंसोलिडेट कर ले, जाना आगे ही है। हाँ 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 कम से कम जो टारगेट आने का है, ये टारगेट 42,440। कितना पे चल रहा है भाई? बस 80-80 के जोन को क्रॉस करना है, फिर कॉल बायर भागे भागे आएगा और तब तक तुम्हारा पोजीशन ग्रीन में दिख रहा है। चलो थोड़ा पोजीशन और ऐड करते हैं। एडिट एडिट, लॉट 36 और ऐड कर दो। डन। थ्री 370 पे ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ जब विजिबल ट्रेंड दिख रहा है तो थोड़ा पोजीशन भी सही होना चाहिए भाई।
460 टाइम कंज्यूम। देखो 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 आया क्या प्लस में, दिख रहा है ना, ये है साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेड। ओ ओ ओ ओ आजा भाई, प्रॉफिट में हो गया जितना लॉस दिखाना था, दिख जा बेटे। हो गया इसका काम, अब सब कॉल बायर आएंगे और बाजार ऊपर जाएगा, बस यही है गेम। 20,000 दिखा क्या, साइकोलॉजी समझ में आ गया, हो गया गेम। गेम खत्म, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि कंसोलिडेट में ट्रेड कर रहा था, एक्चुअली टाइम तो होता नहीं हमारे पास, लेकिन आपको भी ट्रेड दिखाना है। बहुत सारे लोगों का क्वेरी है कि सर दिखाओ ट्रेड कैसे लेते हैं, साइकोलॉजी कैसे काम करता है। दिख गया साइकोलॉजी, मिल गया स्वाद, बना लिए प्रॉफिट, 40,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अभी ये और भी ऊपर जाएगा, लेकिन चूंकि थोड़ा टाइम का अभी कमी है तो इसको यहाँ पे करते हैं खत्म। बस ओनली मेरा पर्पस क्या था कि आपके साइकोलॉजी को समझाना कि मेरा साइकोलॉजी कैसा है। यहाँ देख रहे हैं ये 1,00,000 के आसपास तक का हो जाएगा बिना परेशानी।